श्री विष्णु पुराण सातवां अध्याय। मरीचि आदि प्रजापति गण तामसिक सर्ग स्वयंभूव मनु और शतरूपा तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पात्र आदि क्रम से और ना बढ़ी, तब उन्होंने भृगु जी, उलस्तया जी, उलह जी, क्रतु जी, अंगिरा जी, मरीचि जी, दक्ष जी, अत्रि जी और वशिष्ठ जी इन अपने ही सदर्श अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये नौ ब्रह्मा भी माने गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, संहति, ऊर्जा, अनसोया तथा प्रसूति इन नौ कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंदन आदि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सर आदि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से भगवान ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन भगवान ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वाला मालाओं से अत्यंत दे दीप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब भगवान ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कही जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभूव को भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन स्वयंभूव मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, स्वयंभूव मनु से शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और उतानपाद नामक दो पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकृति नाम की दो कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकृति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया गया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभू मन्वंतर में याम नामक देवता कहलाए तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो। श्री श्रद्धा, श्री लक्ष्मी, श्री धृति, श्री तुष्टि, श्री मेधा, श्री पुष्टि, श्री क्रिया, श्री बुद्धि, श्री लज्जा, श्री वपु, श्री शांति, श्री सिद्धि और 13वीं श्री कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं श्री ख्याति, श्री सती, श्री संभूति, श्री स्मृति, श्री प्रीति, श्री क्षमा, श्री संतति, श्री अनसोया, श्री ऊर्जा, श्री स्वाहा और श्री स्वधा थी। हे मुनि सतम, इन श्री ख्याति आदि कन्याओं ने क्रमशः
भृगु शी मरीचि अंगिरा उल्स्तय उलह क्रतु अत्रि वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पुत्रों ने ग्रहण किया। श्री श्रद्धा से काम, श्री चला अर्थात श्री लक्ष्मी से दर्प, श्री धृति से नियम, श्री तुष्टि से संतोष, श्री पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा श्री मेधा से श्रुत, श्री क्रिया से दंड, श्री नया से विनया, श्री बुद्धि से बोध, श्री लज्जा से विनया, श्री वपु से उनका पुत्र व्यवसाय, श्री शांति से शेम, श्री सिद्धि से सुख और श्री कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही श्री धर्म के पुत्र हैं। श्री अति ने काम से धर्म के पुत्र हर्ष को उत्पन्न किया। श्री अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उनसे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्याएं हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रारव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके ना कोई स्त्री है और ना कोई संतान, ये सब उधर्वरीता है। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण इन जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं तथा मनु और मनु के प्राकर्मी सन मार्ग परायण और शूर वीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्य आत्मा, सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का चार प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य है। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय है और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्त्व आदि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है और अवांतर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा जी के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है। और हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहिर्नश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमय हैं, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है और फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ता। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में सातवां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।